नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आप सरकार ने 30 जून को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। आपने याचिका में कहा था केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर राजधानी में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल इसके अध्यक्ष हैं, जबकि दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव भी इसके सदस्य हैं। 2 जुलाई को सीएम ऑफिस ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की आलोचना की। सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया कि नौकरशाह दिल्ली के मुख्यमंत्री के फैसलों को पलट रहे हैं। नियमों के मुताबिक एनसीसीएसए अपने फैसले बहुमत के आधार पर लेगा। इस प्राधिकरण में केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त 2 शख्स मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव हैं, जिसे उन्हें सीएम के सभी फैसले पलटने की शक्ति मिल गई है। हालांकि उपराज्यपाल सचिवालय ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।